आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो या सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है? ये बड़ा भयंकर सवाल है। जी हाँ, मैंने जो देखा है वो ये है कि दो तरह के लोग हैं जो अपना काम इस सोशल मीडिया को यूज कर कर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे यूट्यूब है। हर जगह दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को या सोशल मीडिया के जो रूल्स हैं या सोशल मीडिया का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उसको फॉलो कर कर अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, और दूसरे लोग वो हैं जो सोशल मीडिया को उस तरह से यूज करना चाहते हैं जिस तरह से वो सोचते हैं। वो सोशल मीडिया के हिसाब से नहीं चलते हैं, वो करते हैं जो उनको ठीक लगता है और सोशल मीडिया को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। जो पहले तरह के लोग हैं जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं या सोशल मीडिया को समझते हैं या वैसा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि उनके नंबर्स बढ़ें, जिससे कि उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ें, जिससे कि वो पॉपुलर हो जाएं या इन्फ्लुएंसर बन जाएं या उससे पैसे कमा सकें। बुराई दोनों में नहीं है, दोनों चीज़ें ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है आपके काम पर, आपकी सोच पर और आपके एम पर। 99% लोग आज की डेट पर अगर आप देखेंगे तो वो सोशल मीडिया पर वो चीज़ें डाल रहे हैं जो सोशल मीडिया पे चलती हैं या वायरल होती हैं, तो वो उसी हिसाब से सोचते हैं, उसी हिसाब से अपना कंटेंट बनाते हैं और उसी हिसाब से उसको लोगों के सामने दिखाते हैं। तो यहाँ पर उनकी जो सोच है वो मायने नहीं रखती कि वो पर्सनली क्या सोचते हैं या वो पर्सनली क्या बोलना चाहते हैं या पर्सनली उनकी आवाज़ क्या है या उनका आइडिया क्या है या वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो एम है वो बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें इस सोशल मीडिया के हिसाब से चलकर जो भी उन्होंने अपनी गाइडलाइंस बनाई हैं या जो भी उनका एल्गोरिदम है उसको फॉलो कर कर उन्हें जल्द से जल्द इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉपुलर होना है, पैसे कमाने हैं, इन्फ्लुएंसर बनना है या जो भी कह लो उसको। तो वो ना तो अपनी आवाज ना अपनी सोच किसी के सामने रख रहे हैं, वो क्लियर है कि उन्हें यही करना है। हो सकता है उनके दिल की आवाज़ कुछ और हो, वो कुछ और तरह से सोचते हों या वो कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें उस सोशल मीडिया पर उसके हिसाब से ही चलना है। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो बहुत बड़े हैं, या तो वो सोशल मीडिया पर है ही नहीं। अगर हैं तो आप देखोगे कि उनके नंबर्स नहीं हैं, उनके फॉलोअर्स नहीं हैं, क्योंकि वो इस चीज़ से डिटैच्ड हैं। इस चीज़ का उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उनको फॉलो कर रहा है या कौन उनको देख रहा है या सोशल मीडिया का जो रूल्स हैं या एल्गोरिदम है वो क्या कहती है। वो उस प्लेटफॉर्म को सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो अपना काम वहाँ पर डालना चाहते हैं और वो अपना काम उस तरह से करते हैं जिस तरह से वो खुद सोचते हैं, जिस तरह से वो दुनिया को अपना काम दिखाना चाहते हैं या जो उनकी सोच है या जो उनकी आवाज़ है उसको लेकर आते हैं अपने काम पर। तो वो अपनी आवाज़ को दबा नहीं रहे हैं, अपनी सोच को रोक नहीं रहे हैं, अपनी आइडियाज़ को या अपने विजुअल्स को या अपने काम को उस हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहता है कि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस तरह से चले और आप उनके हिसाब से चलो। तो वो सोशल मीडिया के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो रूल फॉलो कर रहे हैं जो उनका दिल कहता है या जो वो कहना चाहते हैं। अब इसमें फर्क क्या है, अब इसमें गलत क्या है या सही क्या है? गलत और सही सिर्फ इतना सा है कि जब कोई आप आर्ट फॉर्म कर रहे हो, जैसे आप फोटोग्राफी कर रहे हो या वीडियोग्राफी कर रहे हो या आप कुछ और क्रिएटिव काम करते हो, आप लिखते हो या बोलते हो या आप कोई चीज दिखाना चाहते हो, वहां पर आपको अपनी आवाज लोगों तक पहुंचानी होती है और आपको वो करना होता है जो आपको सही लगता है, ना कि आपको वो करना होता है जो कि एक प्लेटफॉर्म को सही लगता है।
तो यहाँ पर जो मेरी सोच है वो ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि ज्यादातर लोग, मतलब ज्यादातर, मतलब 99% या 98% लोग, जिसमें के ज्यादातर यंगस्टर्स हैं, वो अपना जो ये सफर है वो स्टार्ट ही इस बेसिस पे करते हैं कि उनको पॉपुलर होना है, उनको फेमस होना है, या उनको बस लोगों तक पहुंचना है, या उनको अपने नंबर्स बढ़ाने हैं या फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। तो उनकी सोच कहीं से भी इस चीज से स्टार्ट नहीं होती कि उनको एक अच्छा काम करना है या उनको कुछ ऐसा प्रोड्यूस करना है जिससे कि सोसाइटी में कोई चेंज आए, जिससे कि वो अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचा सकें, जिससे कि वो अपने काम को अच्छा कर सकें। उन्हें काम अच्छा करने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ नंबर से मतलब है। तो 98% लोग जब स्टार्ट ही उस सोच के साथ कर रहे हैं, या उस आइडिया के साथ कर रहे हैं, या उस एम के साथ कर रहे हैं, जहां पर उनको अपने काम से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है नंबर से, उस सोशल मीडिया के रूल्स के हिसाब से, या उस सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को समझकर। तो अल्टीमेटली फाइनली उनको नंबर्स भी मिल जाते हैं, या उनको वो बड़े भी बन जाते हैं, या वो पैसे भी कमाने लगते हैं, लेकिन एट द एंड दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग व्हाट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ओन वॉइस, ना उनकी उस काम में अपनी कोई सोच है, ना उस काम में उनकी कोई कोई मानसिकता है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, एक मशीन के लिए काम कर रहे हैं, और फिर वो कुछ टाइम बाद पैसा कमा लेते हैं, या बड़े बन जाते हैं, या सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन वो जो अंदर की आवाज है, या जो अंदर का एक सेटिस्फैक्शन है या आर्ट है, उसके लिए वो तड़पते रहते हैं, और फिर वो कहीं जाकर टूटने लगते हैं, और वो खोखले होने लगते हैं अंदर से। पर उन्होंने ये खुद सेलेक्ट करा था, उन्होंने ये खुद चाहा था कि वो ऐसा करें, और उसमें उनको सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि वो मशीन बन चुके हैं, क्योंकि उनको बिजनेस करना है, क्योंकि वो किसी आर्ट फॉर्म या सोच के पीछे नहीं चल रहे हैं, वो सिर्फ बिजनेस देख रहे थे। तो उसमें से कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जो बीच में ही लटकते रहते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, वो तड़पने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, ना उनका वो काम अच्छा हो पा रहा है, ना ही वो इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। और जो दूसरी तरफ उस तरह के लोग हैं जो अपनी आवाज या अपना काम अपने हिसाब से करना चाहते हैं, और वो उस धुन में लगे रहते हैं, तो वो वहां पहुंच जाते हैं, वो भी पॉपुलर हो सकते हैं, वो भी उस लेवल पर आ सकते हैं, लेकिन वो टिके रहते हैं, अड़े रहते हैं कि मैं वो दिखाऊंगा, या मैं वो प्रोड्यूस करूंगा जो मुझे सही लगता है, ना कि मैं वो प्रोड्यूस करूंगा जो इस प्लेटफॉर्म को सही लगता है। तो ये सिर्फ एक सोच है, मानसिकता है, कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। तो ये जो दो सोच हैं, ये बहुत इफेक्ट करती हैं आपके काम को, आपके अल्टीमेट रिजल्ट को, और आपके फाइनल डेस्टिनेशन को। आपकी क्या सोच है, आप क्या करना चाहते हो, वही कोर है, वही आपकी पर्सनालिटी है, और वही आपके काम पर रिफ्लेक्ट करती है। आप जब एक मशीन जैसे बन जाते हो, तो फिर आपको वो रूल पता चल चुका है कि भाई ये डालूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो मुझे इतने लाखों लाइक्स आएंगे, या इतने लाखों फॉलोअर्स आ जाएंगे। पर क्या वो वाकई में आपकी आवाज है, या आपके लिए हो सकता है वो आवाज मायने ही नहीं रखती? तो अगर आपके लिए वो मायने नहीं रखती है, तो बढ़िया है, आप उस रेस में जीत गए हो, आप उस रेस में अव्वल आ गए हो, फर्स्ट आ गए हो, कांग्रेचुलेशंस। पर आप ये देखो कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, क्रिएटिव्स हैं, जो कि सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन वो कहते हैं पहाड़ पे जाए सोशल मीडिया, मुझे वो करना है जो मैं चाहता हूं, और वो अपनी धुन में लगे हुए हैं, और इसीलिए वो शायद सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, इसीलिए वो शायद सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अमाउंट नहीं कमा रहे हैं या उनके नंबर नहीं हैं, लेकिन असल दुनिया में, रियलिटी में, इस सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, लोग उनके सामने नमन करते हैं और लोग उनके काम को निहारते हैं और समझते हैं कि ये असली है, और वो जो वो लोग नंबर्स के लिए कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के हिसाब से है, बाकी सब बढ़िया है। ये मेरी एक सोच थी, नोटिस करा है कि ये खेल क्या है, इस चीज के बारे में जो मेरा नजरिया था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमें सोशल मीडिया के इशारों पे नाचना चाहिए या सोशल मीडिया को अपने इशारों पे नचाना चाहिए।